वेलकम बैक टू माय चैनल विद येट अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो होने वाला अबाउट दिस मेकअप लुक कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है। अगर आप जानना चाहते हो सो वीडियो में बने रहो। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हो सो हाय माय नेम इज तानिया एंड आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। सो बहुत सारे हॉल्स मेकअप और बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं व्लॉग्स। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो। शॉर्ट्स भी देखा करो, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ। और या मैंने इस ना वीडियो में बहुत ज्यादा वॉइस ओवर किया है क्योंकि मैंने बोल के बात नहीं किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि पीछे से बहुत ज्यादा उस दिन शोर हो रहा था, तो मैंने मतलब आज बहुत शोर हो रहा था, तो आप तो बाद में वीडियो देखोगे, तो इसलिए मैंने सब वॉइस ओवर किया है। सो प्लीज आप बेयर करना एंड बताना ये लुक कैसा लगा आपको। ये मतलब मैंने ऐसा लुक किया ना कि ये आप कैरी कर सकते हो खुद पे भी करके। ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो बिल्कुल एकदम लिपस्टिक अगर आप इस पर लाइट कर दो ना तो बहुत ही सटल सा मेकअप हो जाएगा। हालांकि इसमें आई लुक थोड़ा सा ना डिफरेंट है। अगर आप लैशेस नहीं भी लगाना चाहते हो तो ना लगाओ, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। मैंने कोई लेंसेज नहीं लगाए, सिर्फ लैशेस लगाए और लिपस्टिक से ना लुक और ज्यादा ग्लैम अप हो गया है। सो अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये लिपस्टिक कौन सी लगाई है और कहां से ली है सो वीडियो जरूर देखना। या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ सो मेकअप स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैंने लिया है अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर जो कि है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। विंटर्स में मैं इसका नॉर्मल जो लाइट वाला मॉइस्चराइजर वो यूज करती हूँ। विंटर्स में आपको मॉइस्चराइज अपने फेस को बहुत ही अच्छे से करना है, साथ ही साथ फेस के साथ लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लीजिए क्योंकि लिप्स हमारे चैपी हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ लिपस्टिक एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने ये रिकोड का पोर फिलिंग प्राइमर लगाया है, इससे ना हमारा फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और हमारा मेकअप और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उसके बाद मैंने एक डार्क शेड लिया है एंड उससे ना क्या कहते हैं अपने जो डार्क स्पॉट्स हैं हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके ब्राउन स्पॉट्स हैं या डार्क पिगमेंटेशन एरिया है उसको आपको हमेशा डार्क शेड कंसीलर से आप उसको फिक्स करेंगे। एंड उसको मैंने हल्का ब्लेंड किया है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना। उसके बाद मैंने मामा अर्थ के दो फाउंडेशंस लिए हैं 02 एंड 07 शेड। 02 लाइटेस्ट है, 07 डार्केस्ट है। इन दोनों को मिला के अपना परफेक्ट शेड बनाया है एंड उसके बाद मैंने अपने उसको मिक्स प्रॉपरली करके उसको एक हीट अप करके ताकि ना जो जो पार्टिकल्स है वो एक्टिवेट हो जाएँ ताकि फाउंडेशन एप्लीकेशन और ज़्यादा ईजी हो। और ये जो मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन है ना काफ़ी अच्छा है विंटर्स के लिए, काफ़ी अच्छा डूई लुक देता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। एंड दैट्स व्हाई मैं इसको आज अप्लाई कर रही हूँ कि विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मैट लुक नहीं देता क्योंकि ऑफकोर्स ऑलरेडी हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है। कंसीलर के लिए लिया है मैंने ये मेबेलिन का कंसीलर और आई एम इन दी शेड 02 एंड मैंने इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगाया, अंडर माय आईज, ऑन माय फोरहेड, क्यूपिड्स बो, नोज पे, चिन पे, एंड उसको प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड किया है। पहले हमेशा ब्रश यूज़ करती हूँ, उसके बाद सारे चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैंने बीच में ये सेटिंग स्प्रे हल्का सा डाल दिया है ताकि जो मेकअप है वो हल्का सा सेट इन हो जाए। उसको ड्राई होने के बाद हल्का सा मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर लूँगी ब्लेंड ताकि ना जो भी एक्स्ट्रा हमारे फेस पे एक्स्ट्रा पैचेज हैं वो सही से हो जाएंगे। उसके बाद ब्लश के लिए ना मैंने एक ये लिपस्टिक से एक ब्लश बनाया हमारे लिपस्टिक पैलेट को यूज़ करके, एक पर्पल ब्लश, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच थी पर्पल ब्लश लगाने का। सो मैंने ये पर्पल ब्लश लगाया। पर्पल ब्लश हमेशा याद रखिए जब भी आपको ब्लश ज़्यादा चाहिए तो पहले हमेशा क्रीम ब्लश लगाएं उसके बाद पाउडर ब्लश। तो मैंने अभी सारा क्रीम वर्क किया है, अपनी आईब्रोज डन कर ली हैं एंड देन अभी इस पूरे फेस को अच्छे से सेट करने के लिए, लॉक इन करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना मेबेलिन का पाउडर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। ये मैं अपने क्लाइंट्स पर भी यूज़ करती हूँ। ये हाई एंड पाउडर्स को एकदम टक्कर देने वाला है। के ब्यूटी का भी लूज पाउडर जो है वो भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमने अपने आईज़ को सेट कर लिया, अपने पूरे फेस को सेट कर लिया। अब आप देख रहे हो ना ब्लश कितना लाइट हो गया है। जब स्टार्टिंग में ब्रश लगता है थोड़ा सा डार्क लगता है बट विद टाइम वो सटल होता रहता है। उसके बाद मैंने कॉन्टोर किया है यूजिंग दिस होला कॉन्टोर पाउडर और ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है अगर आप एक लाइट कॉन्टोर करते हो एंड ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा शेड है जिससे कि आप अपना फेस को कॉन्टोर कर देते हो। कॉन्टोर से आपके फेस को एक डेफिनेशन मिलती है और आपका फेस और ज़्यादा चिजल लगता है। उसके बाद मैंने ये होजो का हाईलाइटर लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडिंग हाईलाइटर है गाइस, ट्रस्ट में मैं अपने क्लाइंट्स पर यूज़ करती हूँ एंड दे लुक्स रियली स्टनिंग, देयर स्किन रियली टर्निंग। आई नो अभी यहाँ पे ना हल्का सा ये पाउडर उड़ रहा है क्योंकि हल्का सा इसमें फॉल आउट है बट जब भी आपकी स्क्रीन का मर्ज होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। सो आईज़ के लिए मैंने ये सेलो टेप लिया था एंड एक कट एकदम शार्प लुक देने के लिए काफ़ी अच्छे है। अगर आपने ऑलरेडी बेस कर लिया तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक एंगुलर ब्रश लेके एक लाइनर लिया है बनाया है पर्पल शेड लेके, क्रीम शेड है ये, एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ऑरेंजिश और मॉव पर्पल शेड लेके प्रॉपरली ब्लेंड किया ताकि एक ऑम्ब्रे लुक आए एंड उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमें कोई क्रीज स्पार्क लाइन देखे, हमें उसको बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड करना है एंड प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड किया है मैंने। उसके बाद मैंने क्रीज के लिए एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड लिया है ताकि जो लुक हो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड क्रीज में भी एक डेप्थ दिखे आपको। उसके बाद मैंने अंडर आइज भी की हैं ताकि पूरे जो लुक वो एकदम कम्बाइन दिखे एंड देन साथ ही साथ मैंने ना लोअर आइज पे अंडर आइज पे मैंने व्हाइट काजल अप्लाई किया है। टेप को निकाल के मैंने जो
जो लिड बची थी वहाँ पे मैंने हल्का सा गोल्डन स्पार्कली शैम्पेन शेड लगाया है ताकि एक प्रॉपर सा लुक आए। एंड देन पूरे लुक को इन्हांस और कंप्लीट करने के लिए मैंने लिए हैं लैशेस काफ़ी ज़्यादा स्पार्कली एंड फ्लर्टी लैशेस थे, तो मैंने उसको लैश ग्लू लगा के अप्लाई किया है एंड आई एम डन। एंड उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने लिए ब्लू हेवन की लिपस्टिक, काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव शेड है, हाइपर स्टे 02 शेड है इसका। लेट मी नो कि आपको ये लुक कैसा लगा, कॉमेंट्स में बिल्कुल बताना। ग्लोई लुक ये टर्न आउट हुआ है, मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून विद अ न्यू हॉल वीडियो मे बी, और बहुत सारे हॉल्स और वीडियो और फेस्टिव कॉन्टेंट आने वाला है चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए, बाय।